आज हम लेक्चर थर्ड जो है यूटिलाईजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि क्या साउंड और स्पीड uh, क्लियर है कोई बफरिंग तो नहीं है एंड देन आई वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स ताकि स्टूडेंट्स आ जाए एंड उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे हेलो पूजा हेलो आर एन हेलो एम के हेलो दलराज सभी को गुड इवनिंग चलिए स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक्स पहले हम देखेंगे क्या पढ़ने वाले हैं एंड उसके बाद हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करेंगे ठीक है लास्ट लेक्चर में हमने कुछ आ, अच्छे टॉपिक्स ऑलरेडी कर लिए हैं एंड ये जो पहला चैप्टर है वो आपका ऑलमोस्ट आज एंड हो जाएगा ये मैं आपको एलिमिनेशन चैप्टर पढ़ा रहा था तो एलिमिनेशन से हमने स्टार्ट किया था एंड उसके बाद जो है हम आगे धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर रहे हैं ठीक है चलिए तो लास्ट टॉपिक में स्टार्ट करते हैं कि आज क्या क्या पढ़ना है ठीक है तो देखिए आज के टॉपिक्स में हम पढ़ने वाले हैं आर्क हमने उस दिन टाइप्स ऑफ पढ़े थे राइट हमने पढ़ा था कि कितने टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट्स होते हैं और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट्स में मैंने आपको पहला उस दिन बता दिया था जो की था आपका इनकैंडसेंट इनकैसेंट लैम्प्स ठीक है ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ और इस इसके बारे में बता दिया था कि इसमें हम कौन कौन से फिलाेंट्स इनकैंडसेंट लैम्प्स आपने देखे हैं तो उसके फिलामेंट्स के बारे में पढ़ा था कि हम कौन कौन से फिलामेंट्स यूज़ कर सकते हैं कौन कौन से फिलामेंट्स हैं उनके उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उनकी रेजिस्टिविटी क्या है उनका टेम्परेचर कॉफिशन क्या है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ठीक है अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके बाद हमें दो और टाइप्स पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स में दो और टाइप्स पढ़ने हैं हमें एक तो पढ़ना है आर्क लैम्प्स और एक हमें पढ़ना है डिस्चार्ज लैम्प ठीक है इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको डिटेल में नहीं जाना है आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है ये किस तरीके से बनता है कंस्ट्रक्शन क्या है इसका बस इतना ही इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं जानना है लेकिन यहाँ पे आपको जो थर्ड टॉपिक दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिस इस, इसको आप स्टार लगा लीजिए और इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो लाइटिंग स्कीम आपको पढ़ना है लाइटिंग स्कीम पे क्वेश्चन आया हुआ है तो आप सभी से आ, मैं कहूँगा कि जो लास्ट टॉपिक तक है उस तक बिल्कुल रहिए आप ऐसा भी नहीं है कि भाई आर्ग लैम्प और डिस्चार्ज लैम्प में बिल्कुल गायब हो जाए आप लोग अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल नहीं करें आप अपने आप से सेल्फ डिसिप्लिन बने ठीक है चलिए तो सबसे पहले कितने स्टूडेंट्स हैं मैं चेक कर लूँ सभी हैं अर्नब अच्छा लास्ट डे का न्यूमेरिकल जो है उसका आंसर बता रहे हैं अर्नब कह रहे हैं एट हंड्रेड बाई नाइन एक का बता दिया था सेकंड का भी सही है आपका थर्ड का मुझे याद नहीं कि थर्ड क्या क्वेश्चन था पर आपका हाँ थर्ड भी सही है गुड मनीष शर्मा कह रहे हैं कि पेड को सी जो है नहीं दिखा रहा ऐप में तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस वगैरह कर रहे हों इस वजह से नहीं दिखाया जा रहा है अजय हेलो मनीष टेंशन मत लीजिए एक बार सपोर्ट पे आप कॉल कर लीजिएगा सपोर्ट में आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि क्यों नहीं दिखा रहा है अगर आपने पेड कोर्स परचेज किया हुआ है तो यू कैन कॉल इन सपोर्ट एंड कैन डायरेक्टली आस्क देम कि व्हाई द कोर्स इज़ नॉट बीइंग शोन इन द ऐप ठीक है चलिए तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं आर आर्कलैम्प से आज आपको पीपीटी में पूरा बना के नहीं लेके आया हूँ क्योंकि पीपीटी में क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट्स सबसे बड़ी बात तो लोग डायरेक्टली ध्यान नहीं दे पाते यहाँ पर दो चीज़ों की दो चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे अलग से करता हूँ एक तो पहले कि भाई मैं अपनी अपने फेस को यहाँ पर नहीं दिखाता क्योंकि लोग यहाँ पर डिविएट हो जाते हैं जितने स्टूडेंट्स आते हैं आप लोग पढ़ने या तो आप मुझे देख पाते हैं या आप मार्कर को देख पाते हैं कि कहाँ चल रहा है क्योंकि ऐसी स्टडी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि कहाँ पे मार्कर है ठीक है तो अब इसीलिए मैंने आपको और एक चीज़ की कि भाई अब प्रेजेंटेशन में ज़्यादा नहीं लाऊंगा हाँ डायग्राम्स जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम बात करेंगे अच्छा आर्क लैब पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स जो है लास्ट में रह गए थे तो इसको मैं अभी कवर करूँगा उससे पहले कि आप ये जान लीजिए कि आइडियल मटेरियल जो होता है फिलामेंट के लिए इन कैंडेसेंट लैब्स में उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए यानी कि हम हम मैं बात कर रहा हूं आइडियल मटेरियल जो है आइडियल मटेरियल फॉर द फिलामेंट फिलामेंट इन इन कैंडसेंट लैंप ठीक है ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए ये आपको पता करनी है शुड हैव द शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ठीक है अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ये आप लोग बता सकते हैं कोई एक दो प्रॉपर्टीज़ मुझे बताओ जल्दी से कि जो हम फिलामेंट इस्तेमाल करते हैं अपने इन कैंडेसेंट बल्ब में उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ये बताइए आप मुझे साउंड नहीं आ रहा क्या साउंड मनीष uh, कह रहे हैं साउंड नहीं आ रहा इज इट सो कि साउंड नहीं आ रहा आप लोगों को अगर साउंड नहीं आ रहा तो भाई बता दो एक बारी यार ये साउंड का क्या इशू है मेरे को समझ नहीं आ रहा साउंड आ तो रहा है किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया चलिए हाँ तो अब हम बात करते हैं कि आइडियल मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अगर जो फिलामेंट हम यूज़ करेंगे उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट हाई रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं आप हाई टेम्परेचर रजिस्टेंट क्या होता है कोफिशेंट सुना था मैंने देखिए पहली प्रॉपर्टी जो है पहली प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे वो ये होना चाहिए कि इसका इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए ठीक है क्योंकि ये जो है ये मटेरियल जो है इस ये बेसिकली इसका वर्किंग किस चीज़ पे बेस्ड है कि भैया पहले हीट होगा और उस हीट की वजह से जो लाइट जो भी हीट हो रहा है उसकी वजह से लाइट एमिट होगा तो भैया जितना ज़्यादा हीट एमिट होगा हीट आएगा उतना ही ज़्यादा लाइट एमिट होगा तो हीट आने के लिए सबसे हीट एब्जॉर्व करने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए कि भाई मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो आप ये समझिए कि मेल्टिंग पॉइंट कम है तो आपका मटेरियल तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद मेल्ट हो जाएगा और अगर उसके बाद मेल्ट हो गया तो वो लाइट अमिट नहीं करेगा वो ख़राब हो जाएगा इसीलिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इसकी होनी चाहिए वो है हाई मेल्टिंग पॉइंट उसके बाद दूस, दूसरा ये कि इसकी रजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए हाई रजिस्टिविटी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए हाई रजिस्टिविटी होनी चाहिए ठीक है थर्ड पॉइंट क्या है थर्ड है हमारा कि इसकी इसका जो प्रेशर है ल, वेपर प्रेशर जो है वो लो वेपर प्रेशर होना चाहिए बल्ब के अंदर ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए लो वेपर प्रेशर होना चाहिए इस बल्ब के अंदर जो भी हम मटेरियल ग्लास ट्यूब जो आप लगा रहे थे ग्लास ग्लोब कहा था हमने उसको उसके अंदर लो वेपर प्रेशर होना चाहिए है ठीक है दूसरा ये कि डक्टिलिटी डक्टिलिटी जो है मटेरियल में डक्टाइल होना चाहिए तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और एक और प्रॉपर्टी है कि भाई सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए अब ये क्यों होना चाहिए ताकि वाइब्रेशंस वगैरह जब हों तो ये जो है इस चीज़ को एब्जॉर्ब अब, कर ले ठीक है अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वाइब्रेशंस को इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी मैकेनिकल स्ट्रेंथ की अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो ब्रेक हो जाएगा और अगर ब्रेक हो गया तो आपके फिलामेंट का फिर कोई यूज़ नहीं है आप बल्ब जो है आराम से उठा निकाल के फेंक सकते हैं ठीक है ठीके? तो ऐसा बल्ब हमें नहीं बनाना है जिसमें आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ ना हो ये प्रॉपर्टीज़ होनी मैंडेटरी हैं ठीक है मैंडेटरी नहीं पर हुए तो अच्छा है ठीक है तो अब आते हैं आर्क लैंप्स पे और एक और चीज़ है इसके अंदर कि भई वोल्टेज का क्या वेरिएशन है एग्जाम में ये भी पूछ सकता है तो देखिए ल्यूमेंस आउटपुट जो है ल्यूमेंस आउटपुट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी की पावर 3.55 का ठीक है ल्यूमेंस आउटपुट किसका इनकैंडसेंट बल्ब्स का मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है अगर मैं बात कहूँ इफ़िशेंसी इसकी इफ़िशंसी कितनी होती है तो लिमिनस एफिशिएंसी लिमिनस है नहीं, नहीं होगा एफिशिएंसी जो होता है ये भी वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के स्क्वायर के ठीक है इसका मतलब जितना ज़्यादा आप वोल्टेज देंगे उतना ज़्यादा लिमियंस आउटपुट होगा और जितना ज़्यादा आप वोल्टेज देंगे उतना ही उसके स्क्वायर के प्रपोर्शनल होगा आपका एफिशेंसी इन्वर्सली प्रपोर्सनल नहीं डायरेक्टली प्रपोर्शनल होना भी चाहिए ठीक है पावर कंजप्शन भी इसी पे डिपेंडेंट है बस इतना बट इतना काफ़ी है इसमें ठीक है अब चलिए ये ये हो गया हमारा इन कैंडेसेंट के लिए अब हम बात करते हैं आर्क लैम्प्स क्या होता है ठीक है आर्क लैम्प्स क्या होता है और बेसिकली हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं ठीक है ठीके? तो आर्क लैम्प्स की अगर बात करें तो आर्क लैम्प्स जो होता है आपका ये बेसिकली इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है जैसे सर्च लाइट्स वगैरह हैं जैसे आप टॉर्च वगैरह देखते हैं टॉर्च वगैरह में जो है आर्क लैम्प्स का इस्तेमाल होता है या फिर ऐसा हम कह लें प्रोजेक्शन लाइव लैम्प्स वगैरह होते हैं किसी पर्टिकुलर पे आपको लाइट देना है प्रोजेक्शन लैम्प्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर आप फ्लैश कैमराज में इसको टून सकते हैं फ्लैश कैमरा जो होते हैं फ्लैश जो होता है उसके अंदर ये आर्क लैम्प्स होता है ठीक है अब ये ता, अलग अलग ता, तीन टाइप के हैं बेसिकली तीन टाइप के कौन कौन से हैं डिपेंडिंग कि आपने कौन सा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया है ठीक है अब अलग अलग तरीके के आर्क प्रोड्यूस करने वाले इलेक्ट्रोड्स हैं उसके बेसिस पे इस आर्क लैंप्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है और आज ये यार स्टूडेंट्स इतने कम क्यों हैं? बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं चलिए कोई नहीं और आपको मैं बता दूं कि क्लास के आवर्स जो हैं रिड्यूस हो गए हैं वन आवर से लेके कर वन आवर से अब थर्टी मिनट्स का क्लास होगा डेली इससे ज़्यादा क्लास नहीं होगा बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन्स एक तो ये कि स्टूडेंट्स बहुत कम आ रहे हैं दूसरे ये कि भाई अभी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी क्लासेज अलग से हो गई हैं सो इसमें शेड्यूल बिजी है मेरा ठीक है इस वजह से पूरे दिन के बाद शा, शाम को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक है चलिए अब देखिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं टाइप्स ऑफ आर्क लैम्प्स क्या हैं तो टाइप्स ऑफ आर्क लैम्प्स के बारे में बात करें तो हमारे पास टाइप्स हैं एक तो है हमारे पास कार्बन आर्क लैम्प्स ठीक है कार्बन आर्क लैम्प्स उसके बाद दूसरा हमारे पास फ्लेम फ्लेम आर्क लैम्प्स और तीसरा है हमारे पास मैग्नेटिक आर्क लैम्प्स ठीक है ये तीन टाइप के हैं क्या क्या है हमारे पास कार्बन आर्क फ्लेम आर्क और मैग्नेटिक आर्क ठीक है तो हम एक बार कार्बन आर्क के बारे में देख लें कि कार्बन आर्क कैसा होता है तो अगर आप देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन में बनाऊं तो ऐसा कुछ होता है ये ये जो दो मैं आपको बना रहा हूँ ये दो रॉड्स ये बेसिकली हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं ये क्या है? बेसिकली हैं बेसिकली इलेक्ट्रोड्स हैं ठीक है इनको हम अटैच कर देंगे एक वोल्टेज सोर्स से ठीक है ये प्लस ये माइनस अब यहां से क्या होता है इसकी वर्किंग में आपको बता देता हूं ठीक है तो बेसिकली आप जो देख रहे हैं ये दो रॉड्स जो हैं ये दोनों रॉड्स कार्बन रॉड्स हैं ठीक है ठीके? ये क्या है दो कार्बन रॉड्स हैं अब आप सप्लाई चाहे एसी का दें या डीसी का ठीक है तो अब बेसिकली ये होना चाहिए कि पॉजिटिव रॉड जो होता है वो लार्जर इन साइज होता है अगर ये रॉड की हम बात करें तो ये रॉड का जो साइज़ है ये लार्जर इन साइज होगा ठीक है अब यहाँ पे एक बेसिकली यहाँ पे एक क्रिएटर होता है इसको हम कहते हैं क्रेटर जो कि इलेक्ट्रॉन एमिट करता है ये क्या करता है बेसिकली कि ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है ये इसको हम कहते हैं क्रेटर ठीक है बिल्कुल इसके पॉइंट पे होता है क्रेटर नॉट क्रेटर्स क्रिएटर्स नहीं क्रिएटर ठीक है अब यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या होगा ये जो आपको डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं ये डॉटेड लाइन बेसिकली आर्क है जैसे ही हम इनको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगा और ये आर्क जो हैं यही आर्क एमिट करते हैं लाइट को ठीक है बहुत ही सिंपल प्रोसीज़र है ज़्यादा कुछ इसके बारे में आपको नहीं जानना है एंड अगर हम बात करें कि आखिर इसकी क्या बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में काम आ सकती हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली क्या करता है जितना भी लाइट एमिट करता है पॉजिटिव अगर हम बात करें तो ये टेम्परेचर ये काम करता है थर्टी फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है और एफिशिएंसी जो इसकी होती है इसकी एफिशिएंसी जो होती है ये बेसिकली होती है नाइन अप्रॉक्सीमेटली नाइन ल्यूमेंस पर वोट क्या होता है नाइन ल्यूमेंस पर वोट की इसकी एफिशिएंसी होती है ठीक है अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे बात करते हैं कि ये कितने वोल्टेज पे ऑपरेट उप, किया जा सकता है तो ये बेसिकली 100 वोल्ट तक 60 वोल्ट से 100 वोल्ट तक ऑपरेट किया जा सकता है डीसी वोल्ट पे ठीक है मैंने आपको बताया कि ये आ, 60 वोल्ट से नहीं 60 वोल्ट से भी कम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लेकिन ये 60 वोल्ट से अच्छा आर्क प्रोड्यूस करता है तो बेसिकली क्या है जैसे आप टॉर्च वगैरह सर्च लाइट्स में मैंने आपको बताया कि इसका यूज़ करते हैं हम तो ये आर्क प्रोड्यूस करता है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग सिक्सटी वोल्ट से हंड्रेड वोल्ट तक का जो है सो वोल्टेज सोर्स यूज़ करेंगे और ये जो रेजिस्टेंस लगाया हमने ये बेसिकली ये रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है टू स्टेबलाइज टू स्टेबलाइज द आर्क ठीक है रेजिस्टेंस को क्यों यूज़ करते हैं हम लोग टू स्टेबलाइज द आर्क जो आर्क आपका बना है उसको स्टेबलाइज भी करना है अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है आपके जो सरफेस uh, है ग्लास सरफेस जहाँ से लाइट एमिट हो रही है वो ग्लास सरफेस पे उस पर चला जाएगा ग्लास ख़राब हो जाएगा और इस वजह से आपका वहाँ पे जो टॉर्च है जो भी सर्च लाइट है वो आपका काम नहीं करेगा ब्लैक ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी और इसकी ल्यूमेंस जो है वो कम हो जाएगी तो हम बेसिकली स्टेबलाइज करना चाहते हैं आर्क को आर्क बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आर्क ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है भाई आर्क आपको आपने पढ़ा भी है स्टेबलाइज आर्क को हम क्यों भी करते हैं ये आप लोगों ने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अब देखिए ये हो गया आपका अब इसमें मैंने आपको तीन टाइप्स बताए थे ठीक है कार्बन आर्क फ्लेम आर्क और मैग्नेटिक आर्क तो कार्बन आर्क के में बारे में बता दिया फ्लेम आर्क और मैग्नेटिक आर्क भी सेम तरीके से काम करता है इसमें इसको पढ़ाने के इसको आपको पढ़ना नहीं है एग्ज़ाम में चूँकि इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसलिए आपको इसको पढ़ना ही नहीं है ठीक है तो हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे और चूँकि एक बारी सिलेबस में है तो थोड़ा बहुत देख लिया पर एग्ज़ाम्स में बहुत कम आया है इसके ऊपर डिस्चार्ज लैम्प्स भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं एग्ज़ाम में इससे भी बहुत कम क्वेश्चन आए क्वेश्चन कम क्या है जितना आया है मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर आया है तो अगर डिस्चार्ज लैम्प्स की बात करें तो डिस्चार्ज लैम्प्स के जैसे टाइप्स हैं अलग अलग अब जैसे हम बात करूँ सोडियम वेपर लैम्प है आपने सोडियम लाइट सोडियम वेपर लाइट्स देखा होगा जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं मोस्टली आप बहुत बड़े बड़े अब तो स्ट्रीट लाइट्स एलईडी आने लग गए स्ट्रीट लाइट्स भी वो चेंज हो गया पर पहले जो स्ट्रीट लाइट्स आती थी जो हाईवेज़ वगैरह पे आप देखते थे और बहुत बड़ा बड़ा ग्लास होता था उसका आप देखिए बहुत थिक ग्लास होता था तो वो जो ग्लासेस वो जो लाइट्स उसमें होती थी वो बेसिकली सोडियम वेपर लैम्प होते थे तो सोडियम वेपर लैम्प हो गया जो एक डिस्चार्ज लैम्प का टाइप है मतलब मैं अगर टाइप्स लिखूँ तो एक तो इसका हो गया सोडियम वेपर लैम्प ठीक है एक आपका हो गया नियॉन लैम्प ये टाइप्स हैं ये आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भाई सोडियम वेपर लैम्प इज़ अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ लैम्प डिस्चार्ज लैम्प आर्क लैंम्प या फिर आप इन कैंडिसेंट लैम्प ठीक है तो ये आप याद रखेंगे तो एक तो हो गया आपका न्योल लैम्प सोडियम वेपर लैम्प और एक आप बहुत बहुत फेमस है आप जानते हैं उसको और वो है हमारा फ्लोरिस सॉरी वो होगा इधर आर ई एस सी ई एन टी ठीक है तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरसेंट लैम्प फ्लोरेसेंट लैम्प आप अपने घर में देखते होंगे बहुत जगह देखा होगा आपने कि फ्लोरेसेंट लैम्प्स वगैरह जो है आपने मरकरी फ्लोरेसेंट लैम्प्स आते थे ठीक है तो अब ये बेसिकली डिस्चार्ज लैम्प्स है क्या ये समझिए तो डिस्चार्ज लैम्प्स में हम करते हैं क्या है कि एक इलेक्ट्रिक करेंट जो है वो हम गैस या वेपर के थ्रू पास करा देते हैं और जैसे ही गैस और वेपर के थ्रू वो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वो ल्यूमिनस हो जाता है ल्यूमिनस कहने का मतलब कि लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देता है ठीक है अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम ये लाइट प्रोड्यूस करता है तो गैस जो है कंडक्ट करता है ठीक है गैस बेसिकली कंडक्ट करता है अब कंडक्ट क्या करता है भाई कंडक्शन जब तक नहीं होगा गैसियज कंडक्शन नहीं होगा तब तक लाइट एमिट नहीं होगा ठीक है क्योंकि करंट पास करा रहे हैं ना भाई आप आपको वो गैसेज चाहिए जो कंडक्शन करे क्योंकि आप करंट पास करा रहे हैं अब करंट अगर गैस कंडक्शन नहीं करेगा तो करंट पास नहीं होगा तो इसलिए एक ऐसा गैस चाहिए जो हमें कंडक्शन करे तो इसलिए हमारे पास कुछ ऐसी गैसेज हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इन्हीं तीन बेसिस पे अब तीनों का नाम रखा भी इसीलिए गया है क्योंकि हम सोडियम वेपर में सोडियम गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है न्योन में न्योन गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है थिके? न्योन गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्लोरेसेंट लैंप में हम मर्करी का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो ये आपके तीन तरीके के बेसिकली गैसेज हैं सोडियम नियोन और मरकरी ठीक है ये तीन टाइप्स के गैसेज हैं जो कंडक्ट करते हैं करंट और इस वजह से हम इनको डिस्चार्ज लैंप में यूज़ करेंगे ठीक है देखो थोड़ा बहुत बोरिंग है हाँ पिक्चर दिखाएंगे पिक्चर दिखाएंगे डोंट वरी यार पिक्चर हम आपको जरूर दिखाएंगे अभी रुक जाइए शुभंकर आए हैं आज एमडी और यहाँ तक ये बताओ देखो ये ये चैप्टर जो है ये थोड़ा सा बोरिंग है इसीलिए बार बार इस चीज़ को नहीं लेना है कि सर इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि भैया अब बोरिंग चीज़ें तो बोरिंग लगेंगी अब मैं कितना भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहूँ तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ बोरिंग चीज़ों को मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ ताकि आप स्किप लगे जब आपके माइंड से आपको लगे कि हाँ यार, यार ये चीज़ एक बार में पता लग गई बोरिंग थी पर पता लग गया किसी ने पढ़ा दिया तो ठीक है चल जाएगा काम वैसे में पता चल जाए तो ठीक है ठीक है ना तो इतना तो एटलीस्ट आपको लेना आना चाहिए कि आप कम से कम जो बोरिंग टॉपिक्स हैं उसको आप एटलीस्ट यहाँ पे एक बार ही क्लास में आए सुने बस इतना काफ़ी है नोट्स बना लें फॉर फ्यूचर रेफरेंस उसके उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ठीक है चलिए अब देखिए ये सोडियम अगर हम बात करें तो अब अब यहाँ पे ये यह पूछ सकता है यहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है कि नियोन जो है वो कौन सा कलर एमिट करता है तो मैं आपको बता दूँ कि नियोन जो गैस है जब इसको हम यूज़ करते हैं न्योन लैम्प्स में तो ये बेसिकली ऑरेंज या रेड लाइट्स आपने न्यून लैम्प्स देखे होंगे नहीं देखे तो आप सर्च कीजिएगा आपको दिख जाएगा ऑरेंज या रेड लाइट जो है ये इमिट करता है अगर हम बात करें कि मरकरी वेपर कौन सा लाइट इमिट करता है तो आपको पता है मरकरी वेपर जो है मरकरी आपका ब्लूइश है ना ब्लूइश लाइट एमिट करता है और अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम वेपर की लाइट्स आपने देखे हुए हैं ये यूजली येलो ये कलर का होता है तो ऑरेंज या ये येल्लो ये ये बेसिकली ये दोनों ही एमिट करता है ठीक है तो ऑरेंज येलो कलर के लाइट जो है एमिट करते तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भाई नियॉन लैम्प्स जो हैं वो कौन से कलर्स के लाइट एमिट करता है ये मरकरी जो है वो कौन से एमिट करता है सोडियम वेपर लाम्प्स जो है वो कौन से कलर के लाइट एमिट करता है ठीक है तो ये चीज़ें आपसे जो हैं पूछी जा सकती ठीक है अब देखिए इनमें से कोई भी आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है मैं सिर्फ आपको फ्लोरेशन ट्यूब के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि आपने इसको सबसे ज़्यादा देखा है अपने घर में ठीक है हर किसी के घर में पहले ये लगा ही रहता था ठीक है तो अब देखिए बात करते हैं तो इसमें आपको पता है कि ये बेसिकली अगर हम कहें तो ये फ्लोरेशन ट्यूब जो है फ्लोरेसन ट्यूब में आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक लंबा सा ट्यूब है यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है लो प्रेशर होता है इसके अंदर मरकरी है ये गैस ये ट्यूब जो है वो पूरा फिल्ड है किससे मरकरी से और ये लो वेपर प्रेशर है यहाँ पे लो वेपर प्रेशर की वजह से हमने ट्यूब को लंबा किया हुआ है ठीक है प्रेशर कम है ट्यूब हमने लंबा किया हमें लो वेपर प्रेशर चाहिए था एक्चुअली रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें लो वेपर प्रेशर चाहिए था तो तो हम ट्यूब अपना लंबा कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर अगर ज़्यादा चाहिए होता तो हम ट्यूब छोटा कर सकते थे या ट्यूब का साइज बहुत कम कर देते या राउंड आ, कोई लांप सा बनाते ठीक है वहाँ पर जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा चाहिए बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट यही थी लो वेपर प्रेशर चाहिए अब ये आप देखिए यहाँ पर ब्लास्ट लिखा है ब्लास्ट अब ये ब्लास्ट है क्या बेसिकली ये आपका चोक है तो आपने चोक देखा होगा अपने लैम्प्स में चोक के बिना बेसिकली ये चलता नहीं था तो चोक इसीलिए है क्योंकि आपको पता है कि इंडक्टर जो है वो सडन चेंज इन करेंट को अलाउ नहीं करता है या हम ऐसा कह लें कि जैसे आपको ये पता है कि V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है ठीक है एल डी आई बाई डी टी होता है और डी आई बाई डी टी सडन चेंज को जब अलाउ नहीं करता है इंडक्टर तो इसका मतलब है डी सडन चेंज का मतलब है ये है कि चेंज इन करंट जो होगा वो होगा ही नहीं सडन चेंज बिल्कुल नहीं होगा तो जैसे ही जैसे मान लीजिए आपने स्विच ऑफ किया हुआ है फ्लोरेशन ट्यूब नहीं जल रहा और आपने जैसे ही फ्लोरेशन ट्यूब जलाया तो पहले करंट तो ज़ीरो था फिर मान लीजिए करंट टेन एम्पेयर सॉरी ज़्यादा बोल दिया मैंने करंट वन एम्पेयर आने लग गया जैसे ही करंट वन एम्पेयर आने लग जाएगा तो यहाँ पर ये जो है डी आई बाई एकदम सडनली से चेंज हुआ ना जीरो से वन एम्पेयर हो गया या फिर कोई वैल्यू जीरो से आगे आई जैसे ही सडन चेंज हुआ तो यह डी आई बाई डी टी क्या हो जाता है जीरो हो जाता है बेसिकली डी आई बाई डी टी जीरो नहीं होता सिर्फ डी आई जीरो होता है यानी कि डी आई जो होता है वो होता है चेंज इन करेंट अब चेंज इन करेंट जो है वो सडन चेंज है चेंज इन करेंट नहीं है तो यहाँ पे सडन चेंज तो डी यहाँ पे डी आई ऐसा समझिए आप इसको डी आई बाई डी टी जो है सडन चेंज जब हम कह रहे हैं तो डी टी का मतलब है टी टू माइनस टी वन ठीक है और सडन चेंज का मतलब है कि टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है तो टाइम में अगर डिफरेंस नहीं है तो टी टू माइनस टी वन क्या हो जाएगा ज़ीरो टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है तो टी टू और टी वन इक्वल होंगे तो अब ये ज़ीरो जब होगा तो समथिंग डी आई डिवाइडेड बाई ज़ीरो डी टी में कह रहा हूँ जीरो है तो समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो क्या हो जाएगा इन्फिनी समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो इन्फिटी या हम इन्फिनीटी तो आइडियल केस में हो जाएगा या हम ऐसे कह लें कि वी की वैल्यू जो है बहुत हाई होगी अब वी की जो वैल्यू हाई हो जाए होगी इसका हम फायदा भाई यहाँ पे एक्चुअली में हाई वैल्यू चाहिए होती है इस लैम्प को फ्लोरेसेंट होने के लिए क्योंकि और इसी वजह से इसको हम लोग ब्लास्ट कह रहे हैं ठीक है हम यहाँ पे वे आ, वोल्टेज ब्लास्ट करते हैं बेसिकली तो वोल्टेज जो है बहुत हाई चाहिए होता है एकदम से ताकि ये लैम्प्स जो हैं ये डिस्चार्ज हों इसका नाम ही है डिस्चार्ज लैम्प्स तो ये जब डिस्चार्ज होना चालू होंगे तो डिस्चार्ज तब होते हैं जब वोल्टेज बिल्कुल हाई मिलता है ठीक है तो इसीलिए हम चोक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हाई वोल्टेज जो है बिल्कुल से इसको मिले एंड ये इसका जो वर्किंग है ये स्टार्ट हो जाए ठीक है क्या समझ में आया ये चीज़ या आप लोगों को कहीं कुछ बताना है कह रहे हैं फ्ल अर्नब का क्वेश्चन है कि फ्लड लाइट में कौन सा लैंप होगा फ्लड लाइट फ्लड लाइट का मतलब नहीं समझ पाया मैं आपका गैस डिस्चार्ज लैम्प या एलईडी फ्लड लाइट या फ्लड नाइट कह रहे हैं आप ओके देखिए फ्लड लाइट में बेसिकली आपका गैस डिस्चार्ज लैम्प ही होगा आप इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए एल भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप एल यूज़ नहीं कर सकते हैं बट एल जो है बेसिकली आपका आ, हर जगह यूज़ नहीं किया जाता है आजकल देखिए एल का क्या है कि एल का इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ठीक है और गवर्नमेंट जो है हर जगह एल ई नहीं लगाएगी क्योंकि इनिशियल कॉस्ट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे सरकार पैसे मार नहीं सकती तो इनिशियल कॉस्ट जहाँ पे कम है क्योंकि भाई आप सरकार जो भी हैं नगर निगम पालिका या जो भी हैं और उनको सिर्फ प्रोजेक्ट दिखाना होता है कि ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है उसके बाद वो दूसरा काम ये करते हैं कि सबसे पहले ढूंढते हैं सस्ता जुगाड़ कि सस्ते से सस्ते में कितना कितना काम हो जाए ठीक है सस्ते से सस्ते से सस्ते में कितना का मतलब सस्ते से सस्ता कब होगा जब आप इनिशियल कॉस्ट बचा लेंगे तो इनिशियल कॉस्ट कैसे बचाते हैं वो कि भाई आपने गैस डिस्चार्ज लैंप इस्तेमाल कर लिया इनिशियली सस्ता है बट बाद, बाद में महंगा पड़ रहा है क्योंकि उसकी बिजली खपत ज़्यादा है ठीक है अच्छा प्ले ग्राउंड में बिल्कुल गैस डिस्चार्ज लैम्प यूज़ होगा एल ई डी लैम्प नहीं होगा गैस डिस्चार्ज लैम्प ही होगा क्योंकि वहाँ पर लाइट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और एल ई डी जो होता है वहाँ पर आप अगर एल ई डी इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे गैस डिस्चार्ज लैंप्स भी नहीं ले लीजिए आप एक बिल्कुल वहाँ पे आपको दिख जाता होगा अगर आप कभी प्ले ग्राउंड में गए होंगे तो वहाँ पे आपका सोडियम वेपर लैंप्स होते हैं ठीक है तो सोडियम वेपर लैंप्स इस्तेमाल किया जाता है तो ये आपका वर्किंग है बेसिकली फ्लोरेसेंट ट्यूब का बहुत ज़्यादा नहीं जानना है आपको यहाँ पे फिलामेंट दिखा दिया मैंने कि ये फ़िलामेंट्स हैं ग्लास ट्यूब्स क्या है इसके ऊपर फॉस्फर की कोटिंग होती है ग्लास के ऊपर फॉस्फ़र की कोटिंग होती है और यही चमकता है आपका ठीक है जब गैस डिस्चार्ज होता है तो ये चमकता है और फाइनली आपको लाइट एमिट होती हुई दिखती है ठीक है चलिए अब जो मेन टॉपिक है हमारा वो लाइटिंग स्कीम है आज का और ये हमें पढ़ना है तो लाइटिंग स्कीम की अगर बात करें तो लाइटिंग स्कीम में हम देखिए दो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजिंग और रिफ़्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है तो डिफ्यूजिंग और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की अगर बात करें तो देखिए रिफ़्लेक्टिंग सरफेस वो होता है जो मोस्ट ऑफ़ द लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर दे ठीक है ऐसे कह लें कि मान लीजिए कि कोई सोर्स ऑफ लाइट है वो आया और हम ऐसा कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट जितना एंगल ऑफ़ इंसिडेंट है उतना ही एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन है तो उसको हम कह देते हैं कि ये हमारा सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या इसी पे को हम कहते हैं इसको हम कहते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ठीक है स्पेकुलर रिफ्लेक्शंस अगर आपका एंगल इक्वल है तो इसको हम कहते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ठीक है अब स्पेकुलर रिफ्लेक्शंस में होता क्या है कि बेसिकली जो सोर्स ऑफ लाइट है उसका एक इमेज बन जाता है सरफेस पे ठीक है जैसे अब कैसे सर्फेसेस की बात कर रहे हैं हम तो अगर आप स्पेक्टुलर की बात करेंगे तो हम यहाँ पे आ, ये जो अकर होता है ये बेसिकली होता है आपका ग्लास वगैरह में ठीक है जैसे ग्लास है पेंटेड सीलिंग्स हैं ग्लास हो गया या पेंटेड सीलिंग्स हो गए ठीक है ये सारी जगहों पे क्या होता है कि बेसिकली इन सर्फेसेस पे अपियर होने लग जाता है या मेटालिक सर्वे मेटालिक सरफेस कह दूं मैं मेटालिक सरफेस है ठीक है या आप ऐसा कह लीजिए कि सिल्वर्ड सरफेस है सिल्वर्ड सरफेस है तो यहाँ पे क्या होगा सोर्स ऑफ लाइट भी जो है अपियर हो जाएगा ठीक है अब अगर हम बात करें कि डिफ्यूजिंग सरफेस क्या होता है अच्छा यहाँ पे पेंटेड सीलिंग्स नहीं होंगी पेंटेड सीलिंग्स होता है हमारा इसके केस में जो हमारा डिफ्यूजिंग सरफेस होता है इसको हम कहते हैं एक सरफेस होता है हमारा डिफ्यूजिंग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इसको हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है कि जैसे सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई और मोस्टली जो है अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो गई डिफ्यूज़ हो गए ठीक है तो बहुत स्कैटर हुआ हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमेशा रिफ्लेक्शन कैसा हो जब भी हम लाइट लगा रहे हैं तो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन हो ताकि पूरे कमरे में देखो हमारी सबसे अच्छी चीज़ ये कि भाई कम से कम खर्चे में लाइट पूरे रूम में आए तो पूरे रूम में लाइट कब आएगा जब आप एक बार में कोई ऐसा सरफेस सरफेस अच्छा आप यूज़ करें आप आपका जो लाइटिंग स्कीम है वो अच्छा है लाइटिंग स्कीम तो अच्छा होना ही चाहिए बट उससे पहले सरफेस भी अच्छा होना चाहिए आप लाइटिंग स्कीम बहुत अच्छी कर दें पर अगर आप देखें कि सरफेस जो है ग्लास ग्लास का सरफेस है या फिर मेटालिक सरफेस है तो मोस्टली होगा क्या रिफ्लेक्ट जो लाइट आएगी सीधी सीधी वो आधी रिफ्लेक्ट कर जाएगी ठीक है तो हम चाहते हैं कि डिफ्यूज़ हो रिफ्लेक्शन जो भी लाइट्स हैं वो डिफ्यूज हो ठीक है तो अब लाइटिंग स्कीम्स के अलग अलग टाइप्स हैं और बेसिकली टाइप से ही क्वेश्चंस आते हैं तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे तो अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम बात करें कि ये आपको पांच टाइप के लाइटिंग स्कीम्स दिख रहे हैं एक तो है आपका डायरेक्ट ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है सेमी डायरेक्ट है सेमी इनडायरेक्ट है और डिफ्यूज है ठीक है तो डायरेक्ट में क्या है डायरेक्ट में आपको दिख रहा है कि एक बल्ब लगा है सीलिंग पे ये यूजुअली ऐसा होता है सीलिंग्स पे लगा हुआ है ऊपर वाली सीलिंग पे ठीक है और यहाँ से डायरेक्ट लाइट जो है वो सीधा सरफेस पे आ रही है इसको हम कहते हैं इसमें कहीं इधर उधर कहीं नहीं जा रही सिर्फ सीधा सरफेस पे आ रही है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट लाइटिंग अब डायरेक्ट लाइटिंग जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सारे घरों में अगर हम बात करें इनडायरेक्ट लाइटिंग की इनडायरेक्ट लाइटिंग भी इनडायरेक्ट लाइटिंग में क्या होता है कि जो फेस है लाइट का फेस वो ऊपर सीलिंग की तरफ होता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके सीलिंग पे गया और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे इस तरीके से आता है ठीक है तो इस ऐसे स्कीम्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम सेमी डायरेक्ट में क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकल सिनारी भी दिखाऊँगा अभी कि प्रैक्टिकल सिनारीयो में ऐसे लाइट्स कैसे दिखते हैं सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में आप देख सकते हैं कि कुछ लाइट्स जो हैं नीचे आई और कुछ लाइट सीलिंग से रिफ्लेक्ट होके आएंगी ठीक है तो ये हो गया हमारा सेमी डायरेक्ट लाइटिंग इनडायरेक्ट लाइटिंग में आप देख सकते हैं सेमी डायरेक्ट में एक और चीज है कि मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो डायरेक्ट आएगी ठीक है मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो डायरेक्ट आएगी कुछ लाइटें रिफ्लेक्ट होकर सीलिंग से आएंगी सेमी इनडायरेक्ट में क्या है कि कुछ लाइटें डायरेक्ट आएंगी मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो इससे रिफ्लेक्ट होके आएगी सीलिंग से रिफ्लेक्ट होके आएगी ठीक है तो ये हो गया आपका सेमी डायरेक्ट सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग डिफ्यूज हो गया आपका ये बेसिकली स्फेरिकल सरफेस होता है तो ये क्या है कि ये डिफ्यूज है मोस्टली ये चारों तरफ सेम तरीके से लाइट जो है एमिट करता है मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत प्रोपोर्शनेट होता है सारे डायरेक्शन ये बहुत ही आ, आप लोनो इमेजेस फॉर्म्ड इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ कोर्स दिलराज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कोई इमेज फॉर्म नहीं होता है चलो ठीक है अच्छा कुछ बुक्स में अगर एलईडी गैस लैंप दिया हुआ एलईडी दिया हुआ है तो देखो हाँ मैंने तभी आपको कहा नब कि दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन गैस लैंप्स अभी तक हम यूज करते आए हैं क्योंकि वहाँ पे जब प्ले ग्राउंडस वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाते हैं वहाँ पे लाइट्स और वहाँ पे स्कैटरड जो आपका बेसिकली वेपर लाइट्स होता है जैसे सोडियम वेपर लाइट्स की हम बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा स्कैटर नहीं होता है वो लाइट डायरेक्ट आती है ठीक है बट एल की लाइट कुछ स्कैट बहुत ज़्यादा स्कैटर करती है तो इस वजह से होना गैस लैम्प चाहिए बट एल आजकल अलग अलग तरीके की आ गई हैं तो वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है चलिए अब देखते हैं आगे अब देखिए ये अगर हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखें तो आपको ये दिख रहा है सबसे ऊपर वाला जो है टाइप्स ऑफ लाइटिंग में ये आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये डायरेक्ट लाइटिंग है जो पहला आपको दिख रहा है दिस इज डायरेक्ट लाइटिंग आपको दिख रहा है कि ये सीलिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है और सारी की सारी लाइट जो है वो नीचे ही की तरफ आ रही है तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट लाइटिंग सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में आप देखिए मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो नीचे से आ रही है लेकिन चूंकि ये आपका बना हुआ ग्लास का है इसीलिए कुछ लाइटें जो हैं साइड से भी रिफ़्लेक्ट होके आएंगी ठीक है यानी सीलिंग से रिफ्लेक्ट होते हुए आएंगी इसीलिए सेमी डायरेक्ट लाइटिंग हो गई अब हम बात करें कि भाई ये कैसी इनडायरेक्ट लाइटिंग आपको दिख रही है आपने देखा होगा ये सारा है ना इस तरीके के इमेजेस जो हैं आपने इस तरीके की लाइटिंग स्कीम्स देखी होंगी अलग अलग जगह पे ये सब बेसिकली डेकोरेशंस वगैरह के लिए यूज़ की जाती हैं मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहाँ पे किसका क्या यूज़ है कैसे कितना परसेंट लाइट आता है इसकी वजह से पर डेकोरेशन भी इम्पॉर्टेंट है कहीं कहीं पे तो यहाँ पे देखिए सेमी इंडाक्ट लाइटिंग जो है अब सेमी इंडारेक्ट लाइटिंग में आपको दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ़ द लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है और कुछ लाइटें जो हैं वो नीचे से आ रही हैं इस तरीके की बहुत ही आ, आ, डेकोरेटिव्स लाइटिंग लाइटिंग होती हैं जो घरों में लगाए जाते हैं या अच्छे अच्छे आप जाएँगे किसी मॉल्स में या फिर बेसिकली ऐसी जगह पे जहाँ पर पे रेस्ट्राँ हो गया रेस्टोरेंट वग़ैरह में आप देख सकते हैं बार्स में देख सकते हैं कि ऐसी लाइटिंग का कर इस्तेमाल करते हैं अब डिफ्यूज़ लाइटिंग भी आजकल बहुत पॉपुलर है डिफ्यूज़ लाइटिंग इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये डेकोरेटिव भी होता है और सबसे ज़्यादा इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी एफ़िशेंसी जो है ल्यूमिनस एफिसेंसी बहुत हाई होती है तो इस वजह से डिफ्यूज़ लाइटिंग की बहुत जो है इसका यूज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ये डिफ्यूज है आपका आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है छोटे छोटे से इमेज है पर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि शायद आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे ठीक है तो ये प्रैक्टिकल सिनारी में मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके की लाइटिंग स्कीम्स हैं अब देखिए हम बात करते हैं कि बेसिकली लाइटिंग स्कीम्स में डायरेक्ट लाइटिंग में क्या है क्या जानना है एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है तो फर्स्ट जो है अगर हम डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम की बात करें तो डायरेक्ट लाइटिंग की बात करें अगर तो बेसिकली कि सबसे ज़्यादा आपको पता है कि ये सबसे कॉमनली यूज होता है आपने अपने घरों में भी देखा है और मोस्टली हर जगह आपको दिख जाता है डायरेक्ट लाइटिंग का इसलिए इस्तेमाल है क्योंकि भैया इसमें नाइन्टी परसेंट ऑफ़ द लाइट फ्लक्स जो है वो नाइन्टी परसेंट ऑफ़ द लाइट फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली सरफेस पे फॉल कराया जाता है वर्किंग प्लेन पे फॉल कराया जाता है नाइन्टी ऑफ़ ल्यूमिनस फ्लक्स फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली सरफेस पे फॉल होता है तो आप इतना याद रखिए कितना परसेंट है एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे ठीक है नाइन्टी परसेंट मोस्ट इफिशियंट है ये आपको दिख रहे हैं मोस्ट इफिशियंट है बहुत इफिशियंट है नाइन्टी परसेंट इफिशेंसी है ठीक है और ये कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं बेसिकली इंडस्ट्रियल 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 में भी ऐसा इस्तेमाल किया जाता है आपने देखा होगा कि बिल्कुल आपको सरफेस पे चाहिए है इंडस्ट्रियल या जनरल आउटडोर लाइटिंग जनरल आउटडोर लाइटिंग जो है वहाँ पे इसको, इसको इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो ये आपका डायरेक्ट लाइटिंग के बारे में हो गया इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा नाइन्टी परसेंट फ्लक्स जो है टोटल सरफेस पे आता है ये आपको जानना है ठीक है सेकेंड हम बात करते हैं आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं इफ़िशेंट है आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना परसेंट ल्यूमिनस फ्लक्स इसका सरफेस पे डायरेक्ट आता है ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ठीक है अब हम बात करते हैं सेकंड की सेकंड क्या है आपका सेकंड आपका सेमी डायरेक्ट तो सेमी डायरेक्ट जो है आपको ये दिख रहा है कि डायरेक्ट नहीं है सेमी डायरेक्ट है तो ऑफ कोर्स एफिशिएंसी कम होगी और इसकी एफिशिएंसी होती है सिक्सटी परसेंट टू नाइन्टी परसेंट ऑफ लिमिनस फ्लक्स मैं बार बार लिमिनस फ्लक्स नहीं लिखूंगा ये आप लिख सकते हैं ठीक है थीके? और ये बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे सीलिंग्स जो हैं हाई सीलिंग्स हो मतलब सीलिंग्स की हाइट अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ठीक है जहाँ पे सीलिंग्स की हाइट ज़्यादा है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम ठीक है कोई क्वेश्चन है आप लोगों का कमेंट नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे शुभांकर पेड को उसका एक बारी बोल दो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रात तक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा मेरे पास ठीक है अभी तो कोई आंसर आया नहीं है कि एक्चुअली में क्या हो गया है क्या नहीं हुआ है या किस वजह से ऐप में नहीं दिखा रहा है अभी कुछ देर पहले एक और स्टूडेंट मेरे से ये पूछ रहे थे कि आखिर क्यों नहीं दिखा रहा है तो मेरे को भी पहले पता लग जाने दो जैसे मुझे पता लगे कि क्यों नहीं दिखा रहा है मैं आपको बता दूंगा ठीक है तो हाई सीलिंग्स है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है थर्ड अगर हम बात करें थर्ड है आपका थर्ड आपका सेमी इंडायरेक्ट है ठीक है सेमी इंडायरेक्ट की अगर बात करें तो आपको ये दिख रहा है कि आपको मैंने बताया कि इसकी इफ़िशंसी जो है इससे कम होगी बेसिकली होती इसकी इफ़ेंसी भी उतनी है सिक्सटी परसेंट टू नाइन्टी परसेंट ही होती ठीक है सेमी डायरेक्ट या सेमी इनडायरेक्ट दोनों की नाइन्टी परसेंट होती है लेकिन इसका इस्तेमाल बेसिकली हम यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे लाइट इन इंडोर लाइट इंडोर लाइट डेकोरेटिंग डेकोरेशन करना हो ठीक है जहाँ पे भी इंडोर लाइट डेकोरेशन करना हो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट लाइट जो है अच्छी नहीं लगती तो हम लोग क्या करते हैं यूजली कि आ, हम बेसिकली देखते हैं कि स्कैटर होके जो सीलिंग से होके आ रही है लाइट वो ज़्यादा प्यारी लगती है हमें डायरेक्ट लाइट हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है ठीक है आप कभी भी आप अपनी लाइट की डायरेक्शन चेंज करके देखिएगा अगर आपके पास कोई बल्ब है आपके पास कोई होल्डर है तो आप अपने आइस पे डायरेक्ट लाइट मार के देखिए और एक लाइट जो आप जो आपकी सीलिंग से या आपकी दीवार से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसमें दोनों में फर्क तो आपको वो लाइट ज्यादा अच्छी लगी जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो इसी वजह से जो डेकोरेटिव प्रो होता है वहां पे इंडोर लाइट डेकोरेशन पर्पज जहां पे होता है वहां पे हम सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग का यूज करते हैं ठीक है अगर हम इनडायरेक्ट लाइटिंग की बात करें फोर्थ आपका इनडायरेक्ट लाइटिंग की बात करें तो इनडायरेक्ट लाइटिंग जो होती है इसमें सिक्सटी परसेंट से लेस देन सिक्सटी परसेंट इफ़िशेंसी होता है अब लेस देन सिक्सटी परसेंट तो होता है लेकिन अब इसका इस्तेमाल करते क्यों हैं भाई तो जैसे अब इसको यूज़ करते हैं हम ड्राइंग ऑफिस वगैरह में ऑफिस वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है क्योंकि हम चाहते नहीं कि बहुत ज़्यादा आंखों पे असर पड़े जब हम लैपटॉप्स वगैरह का यूज़ करते हैं ऑलरेडी हमारी आईज जो हैं बहुत रेस्टलेस होती हैं तो हम चाहते नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइट हो लाइट चाहिए होता है क्योंकि आप अगर बहुत कम लाइट में भी काम करेंगे लैपटॉप पे तो आपके आइज़ पे बहुत ज़्यादा फर्क आएगा आपका लाइट जो है रेस्ट रेस्टलेस फील नहीं करेगा तो इसीलिए हम लाइट रखते तो हैं पर इनडायरेक्ट लाइटिंग यूज़ करते हैं ऑफिसज़ में वर्कशॉप्स में ठीक है वर्कशॉप्स में इन जगहों पे जो है आप इनडायरेक्ट लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं ठीक है ये शाडोलेस एलुमिनेशन होता है बेसिकली यहाँ पे जो एलुमिनेशन होता है ये शाडोलेस होता है यहाँ पे शाडो नहीं मिलेगा आपको ठीक है शाडो देखिए जहाँ वहाँ पे बनता है जहाँ पे लाइट डायरेक्ट आया और एक ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है एक शेडो जो है आपकी वॉल पे बन जाएगा तो इसके लिए डायरेक्ट लाइटिंग चाहिए होती है लेकिन इनडायरेक्ट लाइटिंग में कभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनडायरेक्ट लाइटिंग का क्या होगा सोर्स अगर ये है तो लाइट यहाँ पे आ रही है फिर रिफ्लेक्ट होके आएगी और रिफ्लेक्ट होके ये जो सोर्स है इससे इसका इमेज कभी भी या शैडो कभी भी फॉर्म नहीं होगा तो इनडायरेक्ट लाइटिंग में शैडोलेस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि ये शैडोलेस लाइटिंग देता है ठीक है जो कि अच्छी बात है ठीक है ऑफिस वगैरह के लिए अच्छी बात है अब हम बात करते हैं जनरल डिफ्यूजिंग या हम सबसे जो फिफ्थ नंबर है तो ये डिफ्यूजिंग है और ये डिफ्यूज़ लाइटिंग स्कीम जो है ये लगभग इसकी इफ़िशेंसी जो होती है 95 परसेंट से अबब होती है और 5 परसेंट भी मैंने कम इसीलिए बोला बिकॉज ऑफ ग्लास की वजह से जो है जो ग्लास यूज़ करते हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत लाइट अब्जॉर्ब हो जाता है अदरवाइज जितना लाइट आता है उसका नाइन्टी फाइव मोर देन नाइन्टी इसको आप ग्रेटर देन 95 परसेंट कह सकते हैं 95 ग्रेटर देन 95 परसेंट जो है वो लाइट जो है आपका डायरेक्ट पूरे रूम में एलुमिनेट होता है और इस वजह से इसकी लाइटिंग स्कीम जो है सबसे अच्छी है डिफ्यूज़ लाइटिंग डिफ्यूज़ लाइटिंग स्कीम इज़ द बेस्ट लाइटिंग स्कीम अगर आपको एलिमिनेशन हाई रखना है ठीक है तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछता है कि एल्युमिनेशन अगर आपको सबसे हाई रखना है तो कौन सा लाइटिंग स्कीम आप यूज़ करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि डिफ्यूज़ लाइटिंग स्कीम जो है सबसे ज़्यादा आप प्रेफर करना चाहिए आपको अगर आपको एलिमिनेशन ज़्यादा चाहिए आपको शाडो लाइटिंग चाहिए तो आपको इनडायरेक्ट लाइटिंग यूज़ करनी पड़ेगी डिफिशेंसी कम है पर शेडोलेस है विच इज़ अ गुड थिंग फॉर ऑफिसज एंड वर्कशॉप प्लेसेस, ठीक है तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के आपके लाइटिंग स्कीम्स हो गए ठीक है अब रह गए कुछ और पॉइंट्स हैं इसके ऊपर कि बेसिकली वर्ड पर स्क्वायर मेथड क्या है ल्यूमिन लाइट फ्लक्स मेथड क्या है ये सब पढ़ना है मेथड ऑफ लाइटिंग कैलकुलेशन है ये आपको पढ़ना है और कैलकुलेशन ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ना है जो कि हम कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ठीक है कल जो होगा क्लास उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और स्ट्रीट uh, लाइटिंग भी एक टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा दूंगा नेक्स्ट टॉपिक में स्ट्रीट लाइटिंग फैक्ट्री लाइटिंग कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको जानना है एग्जाम में हो सकता है इसके ऊपर पूछ दिया जाए ठीक है तो कुछ और पॉइंट्स हैं उसको ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वैसे एग्जाम में बहुत कम आए पर आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए तो हम इसके बारे में कुछ आ, सबसे पहले तो इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सकता है वो क्वेश्चन हम जरूर करेंगे ठीक है तो अब चूँकि मैंने आपको बताया कि देखिए एक तो ऑलरेडी इतने कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से क्लासेस जो है की टाइमिंग कम कर दी गई है तो आप लोग जरूर यार इस चीज़ को शेयर कीजिए एंड क्लासेस को बढ़ाइए अदरवाइज अगर क्लास में स्टूडेंट्स की प्रेजेंस नहीं बढ़ेगी तो भैया बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे हमें क्लासेस करनी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ यार कि आपको जितना मिले मतलब देखिए लाइटिंग स्कीम अगर आप लोगों ने से किसी ने पहले दो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखिए उसके बाद हम इसको देखेंगे ठीक है तो आज का टॉपिक हम इतना ही रखते हैं एंड uh, कल हम इसी टाइम पे मिलेंगे 8:30 पे 8:30 पे हाफ एन आवर की क्लास होगी पर कल का कंटेंट मिसलेनियस होगा और क्वेश्चन का होगा बेसिकली तो जितने स्टूडेंट्स हैं पहले तीनों चैप्टर्स देख लें जो नए स्टूडेंट्स हैं उसके बाद हम आगे का कंटेंट जो है पढ़ेंगे ठीक है चलिए थैंक यू सो मच बाय बाय गुड नाइट